हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का रियलमी 7 डिवाइस है, सो गाइस फाइनली रियलमी 7 डिवाइस के लिए और एक नया लेटेस्ट ओटी अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों, मुझे पता है कि रियलमी 7 को लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान है डिस्प्ले को लेकर, क्योंकि दोस्तों फ्लिकर का इश्यूज है, मतलब कि जो स्क्रीन गोस्ट का इश्यूज है, इसलिए काफ़ी सारे लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि लेटेस्ट ओटी अपडेट रियलमी 7 डिवाइस के अंदर कब तक रोलिंग आउट होगा। सो गाइस फाइनली रियलमी की तरफ से रियलमी 7 डिवाइस के लिए 8.63 का लेटेस्ट ओटी अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। एंड दोस्तों, जो अपडेट है ऑल यूजर्स को रोलिंग आउट होना चालू हो चुका है। सो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद कौन-कौन से बग्स को फिक्स किया गया है, सारी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी 7 का डिवाइस है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों रियलमी 7 या फिर रियलमी के और भी कुछ डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको रेगुलर देखने को मिल जाएगी। सो गाइस फाइनली रियलमी 7 डिवाइस के अंदर एक लेटेस्ट ओटी अपडेट मिलना चालू हो चुका है, जो कि 8.63 का लेटेस्ट वर्जन है। एंड दोस्तों, इस अपडेट के बाद काफ़ी सारे पुराने बग्स को फिक्स किया गया है। सो गाइस मैंने अपने फोन में इस अपडेट को सक्सेसफुली इंस्टॉल करके रखा है, क्योंकि मुझे आज ही मॉर्निंग में ये जो अपडेट है रिसीव हो चुका था। सो गाइस अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे, मतलब कि सिस्टम अपडेट में जाएंगे एंड सिस्टम अपडेट में जाने के बाद चेकआउट कर सकते हैं फीचर्स में, मतलब कि अपडेट लॉग में जाकर देखेंगे तो काफी सारे अपडेट लॉग देखने को मिल जाएंगे। उनमें से सबसे पहले देख सकते हैं सिक्योरिटी का है, जो कि आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो कि लेटेस्ट अक्टूबर का महीने का देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों अक्टूबर के महीने में काफी सारे अपडेट्स देखने को मिले थे लेकिन आपको सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस बार आपको देख सकते हैं 5 अक्टूबर का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो कि लेटेस्ट बिल्ड वर्जन के साथ मिल चुका है। एंड दोस्तों बिल्ड वर्जन चेकआउट कर सकते हैं 8.63 का लेटेस्ट नवंबर अपडेट के बाद आपको बिल्ड वर्जन मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम जाकर देखेंगे अपडेट लॉग, मतलब कि चेंज लॉग फीचर्स में, तो चेंज लॉग फीचर्स में जाने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। आपको कैमरा में काफी सारे ऑप्टिमाइजेशंस देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा जो कि पोर्ट्रेट मोड में काफी सारे आपको बग्स थे, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो क्लैरिटी का प्रॉब्लम था सब कुछ फिक्स किया गया है। तो पोर्ट्रेट मोड, मतलब कि फ्रंट सेल्फी कैमरा का पोर्ट्रेट मोड था, नॉइस आने का प्रॉब्लम था वो भी फिक्स किया गया है। एंड दोस्तों बात करेंगे शार्पनेस, मतलब कि क्लैरिटी के बारे में, वो भी फिक्स किया गया है। सेल्फी कैमरे के फोटोज आपको ज्यादा ब्राइट टोन के साथ मिलते थे, मतलब कि ओवर एक्सपोजर का प्रॉब्लम था उसको भी फिक्स किया गया है। रियर कैमरे में जितने सारे प्रॉब्लम्स थे, रियर कैमरे के जो नॉइस रास्टर उसको भी फिक्स किया गया है। सो गाइस हम जाएंगे देखेंगे आपको कैमरा सेक्शन में। सो गाइस कैमरा सेक्शन में जाने के बाद अगर आप चेकआउट करेंगे पोर्ट्रेट मोड या फिर केलेजगी पोर्ट्रेट मोड का जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है, फ्रंट सेल्फी कैमरा को और भी ज्यादा तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, मतलब कि इसको इंप्रोमाइज किया गया। सो गाइस हमने फोटो कैप्चर करके देखे, मतलब कि फ्रंट सेल्फी कैमरा कुछ आपको रियर कैमरे से फोटो कैप्चर करके देखे क्रोमा बूस्ट के साथ, उसके बाद HDR मोड के साथ, एंड देखेंगे यहां पर पोर्ट्रेट मोड के साथ कुछ यहां पर सैंपल को भी कैप्चर किया गया। सो गाइस रियर कैमरे के साथ साथ फ्रंट सेल्फी कैमरे की जो क्वालिटी मुझे काफी बेटर लगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट। एंड दोस्तों शार्पनेस, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिटेलिंग, तो मुझे काफी बेटर तरीके से डिटेलिंग देखने को मिल चुकी है। एंड दोस्तों जो नॉइस का, मतलब कि छोटे मोटे रास्टर्स का प्रॉब्लम था फ्रंट सेल्फी कैमरा में, उसको भी फिक्स किया गया। एंड दोस्तों अगर फ्रंट सेल्फी कैमरे से पोर्ट्रेट मोड या फिर जो नॉर्मल मोड रहता है उसमें फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको एक खास बात एक देखने को मिलेगी, इमेज क्वालिटी, मतलब जो इमेज की शार्पनेस क्वालिटी काफी बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज की गई है। आप खुद ही देख सकते हैं मेरे जो शार्पनेस एजेस है पर काफी बेटर तरीके से डिटेलिंग के साथ प्रोवाइड की गई है। सो गाइस अगर आप अपने Realme 7 को ज्यादातर सेल्फी कैमरे के लिए यूज करते हैं, एंड दोस्तों अगर आपने कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स को नोटिस किया गया है, तो इस अपडेट को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद फ्रंट सेल्फी कैमरे के पोर्ट्रेट मोड या फिर नॉर्मल मोड है सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स किया गया एंड जो कैमरा काफी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। एंड दोस्तों ओनली फ्रंट सेल्फी कैमरा नहीं बल्कि जो रियर कैमरा है, रियर कैमरा भी काफी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। नॉर्मली दोस्तों 64 मेगापिक्सल में दे सकते कुछ आपको रास्टर्स, मतलब कि थोड़े से नॉइस देखने को मिले थे, स्पेशली दोस्तों जो नाइट मोड था, नाइट मोड में आपको कुछ थोड़े से नॉइस देखने को मिले थे। सो गाइस फोटो मोड या फिर कह लीजिए कि नाइट मोड है, उसके बाद 64 मेगापिक्सल का मोड है एंड जो वीडियो क्वालिटी है रियर कैमरे की काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज की गई। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैंने कुछ रियर कैमरे से कैप्चर किए गए इनडोर के सैंपल्स, उसके बाद आउटडोर के सैंपल्स है। सो गाइस आप खुद ही देख सकते हैं जो कलर रिप्रोडक्शन है, मतलब कि कलर टोन भी दे सकते हैं फोटोज के, उसके बाद जो दे सकते हैं डिटेलिंग है, माइक्रो शॉट भी देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों जो डिटेलिंग के साथ साथ और एक्सपोजर भी दे सकते हैं, सब कुछ फिक्स किया गया। ओवरऑल दोस्तों जो कैमरे के परफॉर्मेंस था इस अपडेट के बाद अच्छा किया गया। तो अगर आप यहाँ पर ज्यादातर Realme 7 को कैमरे के लिए यूज करते हैं तो कैमरे के जो जितने सारे प्रॉब्लम्स थे उसको फिक्स किया गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले अपडेट लॉक, मतलब कि चेंज लॉक के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट लॉक दे सकते हैं जो कि टच के रिलेटेड है। सो गाइस टच एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, जो टच कंट्रोल एल्गोरिथम था उसको भी टच कंट्रोल एक्सपीरियंस और भी बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, मतलब कि जो इंप्रोमाइजेशन है टच एक्सपीरियंस, आपको जो डिस्प्ले का टच एक्सपीरियंस है उसको भी फाइनली फिक्स किया गया। सो गाइस अगर आपने अपने Realme 7 में कुछ टच घोस्ट का जो इश्यूज था, मतलब कि प्रॉब्लम्स को अगर आपने नोटिस किया गया, तो इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जितने सारे
सारे टच के प्रॉब्लम्स थे मतलब इश्यूज थे फिक्स किए गए, तो आपको फ्लिकर या फिर गोस्ट वॉक किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, जिसको लेकर काफी सारे लोग मुझे बस एक ही कमेंट करते हैं कि फ्लिकर के इश्यूज मतलब कि स्क्रीन के जो फ्लिकरिंग के इश्यूज है मतलब कि स्क्रीन गोस्ट का इश्यूज है फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। सो गाइस अपडेट इंस्टॉल करने के बाद मैंने काफी सारे यहाँ पर नोटिस किए गए, मुझे अभी तक किसी भी प्रकार से गोस्ट या फिर फ्लिकरिंग के इश्यूज अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों मैंने काफी सारे अपडेट इंस्टॉल करने के बाद मुझे छोटा मोटा यहाँ पर फ्लिकर के इशू देखने को मिला था, लेकिन इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद मैंने फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने सारे जो बिग स्क्रोलिंग टाइमलाइन के जितने सारे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन या फिर केलेजी के अकाउंट उसको यूज करके देखा है, मुझे स्क्रीन गोस्ट या फिर स्क्रीन फ्लिकर का इश्यूज अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद भी अगर आपके रियलमी 7 में स्क्रीन फ्लिकर का इश्यूज आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि रियलमी ने यहाँ पर वादा किया कि इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो स्क्रीन गोस्ट या फिर स्क्रीन फ्लिकर का इश्यूज है वो यहाँ पर टोटली रिमूव किया गया है। सो गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि स्क्रीन फ्लिकर का इश्यूज यहाँ पर रिमूव हो चुका है कि नहीं हो चुका है। सो गाइस ये जो अपडेट था अक्टूबर महीने का अपडेट था, थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद जितने सारे पुराने बग्स यहाँ पर टोटली फिक्स किए गए। एंड दोस्तों नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट के बाद बहुत सारे चेंज लोग फीचर्स Realme 7 में ऐड होने वाले। सो गाइस अपकमिंग अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहिए। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।